हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवियस वर्ल्ड। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड आल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। वी हैव लर्न अबाउट प्लांट्स इन प्रीवियस वीडियोस। इन दिस वीडियो वी विल लर्न समथिंग मोर अबाउट प्लांट्स। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस। ओके, हैव यू सीन प्लांट्स? ऑफकोर्स देखा ही होगा। तो क्या सारे प्लांट्स के पास एक ही पार्ट होता है? नो, ऑल द प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स। तो किड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इन द सेम वे प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। प्लांट्स हैव फाइव पार्ट्स टू परफॉर्म different function, and those are roots, stem, leaves, flower and fruit. Now we will know in detail about these parts. First one is root. Root grows under the ground. Root provide base to plants. और root की help से ही plants खड़े हो पाते हैं। इतना ही नहीं, रूट ग्राउंड से वाटर लेकर प्लांट तक पहुंचाता है। रूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड आफ्टर द रूट। इट कैन बी लॉन्ग, शॉर्ट, ग्रीन और ब्राउन। और स्टेम की हेल्प से वाटर रूट से पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। And also it helps plant to stand straight. Next part is leaf. Leaves are mostly green, but you can see different colors leaves. Kids, plant ke leaves sunlight ki help se apna food prepare karte hain, jis wajah se plant ko food provide ho pata hai. Aur aap soch rahe honge ki kya plants ko bhi food ki zarurat hoti hai? ऑफ़ कोर्स होती है। जिस तरह हमें फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है। हमें तो अपना फूड प्लांट से मिल जाता है, बट प्लांट्स अपना फूड सनलाइट की हेल्प से खुद ही प्रिपेयर करते हैं। किड्स, तो हमने आज प्लांट्स की रूट, स्टेम एंड लीफ के बारे में जान लिया। तो आप मुझे ये बताइए कि इनके अलावा भी आपने प्लांट्स में कुछ देखा है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्लांट्स में इनके अलावा फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी होते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सारे प्लांट्स में फ्रूट और फ्लावर हों। सम प्लांट्स बेयर फ्लावर्स एंड सम बेयर फ्रूट्स। तो किड्स, हमने आज जाना कि प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट होता है। नाउ लेट्स नो अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। किड्स, आपको पता है कि हम इन प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं। देयर आर सम प्लांट्स हुज रूट इज यूज्ड एज वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड रेडिश। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके स्टेम को हम ईट करते हैं, जैसे पोटैटो एंड शुगर केन। और कुछ प्लांट्स के लीव्स को भी हम ईट करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन कौन से? यस, स्पिनच एंड कैबेज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड वी ईट इट एज अ वेजिटेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम किसी प्लांट के फ्लावर को भी ईट करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। एग्जांपल, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली को हम एज अ फ्लावर खाते हैं। और भी ऐसी बहुत सी वेजिटेबल्स हैं जिसे हम ईट करते हैं, बट उनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस कंटेंट। लेट्स गो फॉर प्रैक्टिस। So your first question is, how many
main parts are there in plants? And your options are 1, 2, 3, 5. And your correct answer is 5. Your next sentence is, plants get water with the help of, and your options are stem, root, leaf, fruit. And your correct answer is root. Your next sentence is, it spreads water all over the plants. And your options are root, leaf, stem, fruit. And your correct answer is stem. Your next question is, which part of the plant grows under the ground? And your options are fruit, stem, leaf, root. And your correct answer is root. So kids, we end this video here and we'll meet in next video. Till then, bye bye.